टीकमगढ़ के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव साहब का जन्मदिन मनाया गया। यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव साहब का 553वां जन्मदिन था, जिसे समाज के सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान लुधियाना से आए हुए संतों ने गुरुवाणी का उद्बोधन किया। टीकमगढ़ में गुरु नानक देव साहब के जन्मदिन के अवसर पर सिख पंथ के साथ साथ हिंदू धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे और धर्म लाभ लिया। लुधियाना से आए हुए सिख पंथ कीर्तन करने वाले अमरजीत सिंह ने बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव साहब का जन्म सिख धर्म के अनुयायी प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं और देश में सुख शांति अमन की कामना करते हैं। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों ने लंगर में भोजन ग्रहण किया। रागी जत्था लुधियाना तो भाई परमजीत सिंह जी, भाई रजिंदर सिंह जी, भाई अमन सिंह, ये सब तो धन गुरु नानक पातशाह ने 1426 ईस्वी में धन गुरु नानक पातशाह ने अवतार धारिया अते सारे संसार में सतनाम वाहगुरु का मंत्र जाप करवा के संसार में तारना किया। इस करके धन गुरु नानक पातशाह ने जो अंत तो ज़्यादा अज्ञानता का जड़ा धुंध फैलिया होया सीगा उदो धन गुरु नानक पातशाह ने जन्म धारण किया। सतगुरु नानक प्रगटे आ मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सुर निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जड़ा अज्ञानता का अंधेर सीगा उसनों धन गुरु नानक पातशाह ने नाम जपा के अकाल पुरख नाल जोड़ के अकाल पुरख का नाम जपा के वो अज्ञानता का जड़ा अंधेर सी उसनों खत्म किया अते अकाल पुरख के नाम नाल जोड़ना किया। सो धन धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह के प्रकाश दिहाड़े दिन संस्कृतों टीकमगढ़ की संगतान अते इतने की संगतान प्रबंध कमेटी में दसा वालों जथे वालों बहुत बहुत बधाइया हो। इस टीम चैनल में भी बहुत बहुत बधाइया हो जो कि अपना कीमती समा कढ़ के धन गुरु नानक पातशाह के प्रकाश दिहाड़े की खुशियां मनाते हुए अपनी हाजरियां भरिया हैं। सो इन्ना कुछ दास कहता हुआ दास खिमा जा चुका है, जा चुका की खिमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।